उत्तराखंड के देहरादून में राजपुर रोड स्थित कामिनी साड़ी शोरूम में सुबह के करीब 4 बजे भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। क्षेत्र के चौकीदार ने वहां उठते देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। वहीं भीषण आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। शोरूम में सिंथेटिक व जमनशील कपड़ों से फैली आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग करीब 4 घंटे के बाद कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी शिव प्रसाद ममगई ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ये जैसे यहाँ 3:00 लगभग 40-42 मिनट पर सूचना मिली, 3:42 पर सूचना मिली कि राजपुर रोड में धुआं निकल रहा है KFC के बगल से। यहाँ से हमने 2 गाड़ी भेजी। जैसे गाड़ी वहाँ पहुँची तो वहाँ देखो बहुत भयंकर धुआं निकल रहा था। शटर बंद थे और काफ़ी बड़े शटर थे। तुरंत यहाँ से दो गाड़ियाँ और साथ में ले गए और साथ में लेके वहाँ शटर तोड़वाया। शटर तोड़वाने पर देखा अंदर काम नहीं सारे, उसके ग्राउंड फ्लोर में भी आग थी और ऊपर का फ्लोर भी काफ़ी भयंकर आग थी, जिसका शटर कम से कम 8-10 मीटर लंबा था, जिसको तोड़ने में बड़ी मशक्कत आई। और इस धुएं के कारण बगल का सैलून था एक, और सैलून के ऊपर उसके ऊपर जिम में धुएं से काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान का आंकलन जांच के बाद ही हो पाएगा।